हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एंड आ चुके हैं यार बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ। और आज भी यार बिल्कुल न्यू अपडेट बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अपने हैलोवीन इवेंट की मिस्ट्री शॉप के बारे में। और उसी के साथ साथ गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो अपना हैलोवीन इवेंट आने वाला है उसमें आप लोगों को फ्री में क्या क्या आइटम्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ लिस्ट वगैरह निकल के आई है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और भाई अपना जो कश्मीर कैरेक्टर हमारी गेम में आ रहा है इसके बारे में बात करने वाले हैं, जब हमारी गेम में आएगा इसका नेम क्या होने वाला है, और साथ ही साथ गाइस बात करने वाले हैं इसकी एबिलिटी क्या होगी, क्या ये हमारे आलोक चाचा को टक्कर दे सकता है, मतलब पूरी डिटेल के साथ वीडियो में बात करेंगे। पर स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई बहुत छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बंदे चैनल पे नए आए हैं भाई सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, उसके बाद यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जो गाइस नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है यार उसको यार ध्यान से ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि यार डेली के डेली नए नए अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूं, तो बहुत मेहनत लगती है नए नए अपडेट्स लाने में, तो प्लीज से मेरे भाई सपोर्ट कर देना। और जल्दी से 200 के की फैमिली भी अपने को कंप्लीट करनी है, तो प्लीज से मेरे भाई सभी भाई सपोर्ट दिखा दो। पिछली वीडियो में आप सभी लोगों से बोल रहा था अगर उस पर यार 3500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इस वीडियो मैं गिव अवे कर लेता, पर गाइस अभी तक उस पे 3500 लाइक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो चलो देखते हैं अगर कल तक हो जाते हैं तो फिर हम गिव अवे कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं गाइस यार 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी कि आपको जो नेक्स्ट मैजिक क्यूब के बंडल मिलेंगे उनमें से ये 3 में से कोई एक बंडल हो सकता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो जिनमें भी मैंने मैजिक क्यूब के बंडल्स बताए हैं, और भाई पूरे 3 के 3 बंडल्स गाइस मैंने आप लोगों को बताए थे जितने भी आप यहां पे देख रहे हो, और भाई वही सेम आपको देखने के लिए मिले हैं। इसी बात पे गाइस एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज यार एक लाइक जरूर से कर देना। गाइस आप सभी लोगों से यार एक हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, भाई जो अपने शैडो शूटर गेमर है जो भाई अपने मिथ्स वाली वीडियो डालते हैं जो यार भाई का जो है चैनल हैक हो गया है, तो यार आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करके सिंपल सा गाइस आपको एक बार रीट्वीट कर देना है। और भाई जिनके पास ट्विटर नहीं पड़ा भाई प्लीज से यार इंस्टॉल कर लेना, बस 5 मिनट ही लगेंगे। चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं यार अपना जो नेक्स्ट वेपन रोल आने वाला है वो आपको कौन सा वेपन रोल देखने के लिए मिल सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है अपने UMP की इस वाली स्किन की, जो कि आप लोग अपने सामने देख सकते हो, इसकी पूरी एनिमेशन यार सही से आप लोग देख सकते हो, तो यार इस टाइप की स्किन जो यार आपको जो है नेक्स्ट वेपन रोल में देखने के लिए मिल सकती है। मतलब कि गाइस 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपको नेक्स्ट वेपन रोल में यही गन देखने के लिए मिलेगी, तो यार ठीक गन होने वाली है ये भी, UMP की भी सही गन होने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी भाई जरूर से बता देना, एंड गाइस आप लोग कमेंट करने में भाई मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, तो प्लीज से मेरे भाई कमेंट तो कर दे करो। गाइस इसके एट्रीब्यूट्स की बात करी जाए तो गाइस में पेनिट्रेशन आपको डबल देखने के लिए मिल जाएगा, रेट ऑफ फायर गाइस आपको मिल जाएगा सिंगल प्लस, एंड गाइस जो आपकी होती है रिलोड स्पीड वो आपको 1- देखने के लिए मिल जाती है। मतलब यार ठीक स्किन होने वाली है, इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब बिल्कुल यार सही स्किन होने वाली है। यहाँ पे गाइस एक छोटा सा अपडेट लेकर आता है जो कि अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर को लेकर, जब अपना हैलोवीन इवेंट आ जाएगा उसके दौरान गाइस ये जो अपना एग्जाम मेट वाला इंक्यूबेटर होने वाला है पूरा 100% उन्होंने कंफर्म कर दिया है। एंड इसको लेकर गाइस यहाँ पे जो ऑफिशियली जो क्लिप होती है आप लोगों को पता होगा हर गन की अलग अलग क्लिप जो है गरीना लॉन्च करती है, तो अपनी जो एग्जाम मेट होती है उसकी भी लॉन्च कर दी गई है, तो देख सकते हो इस टाइप की इसकी एनिमेशन होने वाली है। एंड इसमें पूरा आपको जो है इनका चल जाएगा पता किसकी क्या एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, किसकी क्या एबिलिटी होने वाली है। अगर आप लोगों को इनकी एबिलिटीज का नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो, वैसे ऑलरेडी मैंने यार सारी एबिलिटीज आप लोगों को बता रखी है, तो मतलब यार गन जो है बहुत ही खतरनाक होने वाली है अपनी एग्जाम मेट की। चलिए बताऊं गाइस मेरे को जो एग्जाम मेट से ज्यादा यार इसका जो लुक है ना भाई लुक बहुत ज्यादा ओपी लगा, क्योंकि इस टाइप की स्किन जो अभी तक गेम में कोई भी नहीं लाई। चलिए गाइस जब हम लोग बात करने वाले अपने हैलोवीन इवेंट में आने वाली मिस्ट्री शॉप के बारे में, जिसमें गाइस ओनली एक ही लीक निकल के आई थी जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी थी, गाइस ओनली एक ही पोस्टर निकल के आया है जो अपनी होती है मिस्ट्री शॉप को लेकर, तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो जो अपनी मिस्ट्री शॉप होने वाली है वो अपने हैलोवीन इवेंट के दौरान गाइस आप लोगों को अपने गेम के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस बताई जा रही है। यहाँ पे गाइस कुछ बंदे पूछ रहे थे कि हमें इस मंथ में मिस्ट्री शॉप देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो गाइस जहां तक मेरे को लगता है इस मंथ की चांसेस तो थोड़ी कम है, पर जो अपना नेक्स्ट मंथ होगा उसमें आपको यार मिस्ट्री शॉप जरूर से जरूर देखने के लिए मिल सकती है। गाइस ये वाली मिस्ट्री शॉप हमारी गेम में आती है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके अंदर हमें गाइस कौन कौन से बंडल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं डिस्काउंट। गाइस ये 2 बंडल ही आपको यार अपने मिस्ट्री शॉप में देखने के लिए मिल सकते हैं हैलोवीन वाले की, जो कि आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं। एंड गाइस ये बंडल जो है एक बार हमारे पहले भी गेम में आए थे, शायद से मेरे को याद आ रहा है पहले भी हमारे गेम में आए थे एक बार, एंड गाइस फिर से रिटर्न में लाए जाएंगे आपको मिस्ट्री शॉप में यार बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यार बंडल इतने खराब नहीं है, फीमेल का भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, और यार मेल का भी तो लगता है यार, मेल का तो बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है, डरावना लगता है पूरा। सबसे अच्छा गाइस मेरे को इसका फेस लगता है कद्दू जैसा फेस लगता है, जो कि मेरे को यार बहुत ही ओपी लगता है, मतलब देखने में थोड़ा फनी है पर यार मस्त लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर जरूर से यार कमेंट करके बता देना है, यार फीमेल का बंडल भी अपना सही होने वाला है। और गाइस अभी जो है अपनी मिस्ट्री शॉप को लेकर कुछ और पोस्टर निकलने स्टार्ट होने वाले हैं, तो जैसे यार मेरे को लीक्स मिलती रहेगी आप लोगों को पता है यार सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। तो यार डेली 7:30 बजे वीडियो आ जाती है, तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना, आपके जितने भी गेम के अपडेट होंगे यार सारे पूरे टाइम पे आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने गेम में आने वाला न्यू करेक्टर जो कि होने वाला है DJ कश्मीर करेक्टर। एंड गाइस इसकी डेट की बात करी जाए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो इसकी जो चांसेस बताई जा रही है मतलब यार 15 तारीख को आपको अपने गेम में देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 15 से 19 तारीख के बीच में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। इसका जो एक ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च किया गया है जिसमें भी यार
15 अक्टूबर की डेट बताई गई थी। मतलब यार 15 से 19 में आपको कंफर्म ये देखने के लिए मिल सकता है अपने गेम में ये वाला न्यू करेक्टर डीजे कश्मीर। और इसके नाम को लेकर गाइस अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। इसका नाम डीजे कश्मीर होने वाला है, कामीर होने वाला है, क्या होने वाला है? तो गाइस इसके जो है मतलब बहुत सारे सर्वर में अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं, कहीं पे कैप्टन बुया बताया जा रहा है। मतलब यार जो इसका फाइनल नेम होगा वो यार अपने गेम में आने के बाद ही आप लोगों को पता लगने वाला है। जहां तक मेरे को लगता है यार डीजे कश्मीर करके ही एक एक्टर हमारे गेम में आएगा, क्योंकि इस नाम से यार ज्यादा लीक्स निकल के आई हैं। बेसिकली गाइस हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं डीजे आलोक में और अपने जो है न्यू कैरेक्टर कश्मीर कैरेक्टर के बारे में कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट रहेगा। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं अपना न्यू कैरेक्टर जो डीजे कश्मीर कैरेक्टर आ रहा है उसकी एबिलिटी क्या होने वाली है। तो सेम भाई जैसे अपना आलोक हेल्थ देता है वो भी उसी तरीके से हमको हेल्थ देने वाला है। गाइस की जो एबिलिटी होगी वो एक्टिव नहीं होने वाली, जैसे गाइस अपनी आलोक की होती है उसको ऑन करने के लिए हमें जो है उसके बटन पे क्लिक करना पड़ता है, पर इसमें गाइस ऐसी एबिलिटी नहीं होगी। मतलब गाइस जैसे अपना हायातो कैरेक्टर होता है भाई उसकी एबिलिटी ऑन ही रहती है, तो मतलब इस टाइप से इसकी एबिलिटी होने वाली है। और भाई इसकी जो एबिलिटी होगी भाई वो किसी और कैरेक्टर में भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी गाइस एबिलिटी बता देता हूं। तो यार इसकी एबिलिटी को लेकर थोड़ा बहुत कच्चा पक्का न्यूज निकल के आया है। तो गाइस इसकी जो एबिलिटी होगी वो होने वाली है अपनी ईपी और एचपी से रिलेटेड। तो गाइस जैसे आप लोग अपनी ईपी फुल कर लेते हो, मतलब मशरूम खा के अपनी जो ईपी जो है 200 तक फुल कर लेते हो, तो ये कैरेक्टर जो है उस लिमिट को ज्यादा बढ़ा देगा। मान लो कि आपकी 200 ईपी हेल्थ हो चुकी है तो यार उसको ज्यादा कर देगा 230-240 इस तरीके से जो है उसकी ईपी की जो है लेंथ बढ़ा देगा। और इतना ही गाइस जो अपनी ईपी होती है जब ईपी को एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो यार बहुत धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होती है एचपी में। पर गाइस अगर हमारे पास ये वाला कैरेक्टर होगा तो जो ईपी होगी भाई बहुत फास्टली जो है हमारी एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तो गाइस ओनली दो ही एबिलिटी निकल के आई है इसकी, जैसी कुछ और पता चलेगा यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात भाई इस जिसकी एबिलिटी होगी वो किसी भी कैरेक्टर में आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब डीजे आलोक में भी लगा सकते हो। अगर डीजे आलोक में लगाओगे तो भाई पूरी पावर ही पावर रहेगी आपके पास एचपी की। यहाँ पे गाइस बात करी जाए डीजे कश्मीर वर्सेस डीजे आलोक के बारे में, तो यार अभी भी अपना आलोक जो है बहुत चीजों में सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी इसकी एबिलिटी नहीं है कि आलोक को पीछे छोड़ दे। यार अपने आलोक चाचा के पास तो यार खुद की यार अपनी हेल्थ की फैक्ट्री है, तो वो तो खुद ही इतनी हेल्थ कर लेता है। एंड गाइस इस कैरेक्टर के लिए आपको मशरूम खाना होगा फिर जाके आपको हेल्थ मिलेगी। तो आप लोग समझ सकते हो यार इसमें भी हमारा जो है डीजे आलोक कैरेक्टर ही जीतेगा अगर इन दोनों के बीच में वर्सेस भी करते हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताना यार आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, डीजे कश्मीर या फिर डीजे आलोक। चलिए गाइस अब हम लोग बात करने वाले अपने गेम में आने वाले हैलोवीन इवेंट के बारे में। तो यार उसमें कुछ ये कैलेंडर निकल के आया था जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। एंड गाइस ये भी दिखा देता हूं आपको हैलोवीन इवेंट में क्या क्या चीजें फ्री मिल सकती हैं। यहां पे यार सारे आइटम आप लोग देख सकते हो गाइस। सबसे पहले यहां पे क्रिएट जो है आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। एंड गाइस उसके बाद यहां पे आप सर्वोड भी देख सकते हो एंड P90 की स्किन की क्रिएट जो है वे भी मिलेंगी। एंड गाइस आपके लूट बॉक्स की स्किन भी जो है यहां पे फ्री में दी जा रही है, और जो आपकी गाइस बैक की स्किन होती है भाई वो भी फ्री में है, और उसी के साथ साथ एक सर्वोड और फ्री में दिया जा रहा है। एंड गाइस जो अपना पैरासूट होता है वो भी आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो फेस की वाली स्किन होती है जो कि अपना हेड मतलब जो भी होता है, तो यार ये भी आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिल सकता है, इसकी भी बहुत हाई चांसेस निकल के आई हैं। और एक चीज बता दूं गाइस ये वाली जो स्किन होगी भाई ये लेवल वाइज डिवाइड होने वाली है, एक लेवल पे थोड़ी कम दिखेगी दूसरे लेवल पे ऐसी होगी, तो देख सकते हो कितने लेवल पे कैसी आपको देखने में लगने वाली है। तो यार कौन कौन हैलोवीन इवेंट का वेट कर रहा है कमेंट में बता देना, और जैसी कुछ और रिवॉर्ड्स पता चलते हैं यार आपके लिए वीडियो जरूर से बना के ले आऊंगा। बस आप लोगों को यार चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को प्रेस करके रखना है, आपके फ्री फायर के सारे अपडेट यार मैं टाइम पर देता रहता हूं, तो प्लीज से मेरा भाई सपोर्ट कर देना। एंड गाइस हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।